तेरे नियमों का पालन करने के लिए मैं कुमार्ग से दूर रहा हूं। मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग से नहीं भटका हूं, क्योंकि तूने स्वयं मुझे शिक्षा दी है। मुंह में टपकने वाले मधु की अपेक्षा तेरी शिक्षा मेरे लिए अधिक मधुर है। तेरी आज्ञाओं से मुझे विवेक मिला, इसलिए मैं असत्य के मार्ग से घृणा करता हूं। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। आज का पवित्र वचन 2 मार्च 2019, पहला पाठ, प्रवक्ता ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्या 1 से 15 तक। प्रभु ने मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा, उसने उसे अपना प्रतिरूप बनाया, वह उसे फिर मिट्टी से मिला देता है। उसने उसे अपने सदृश शक्ति प्रदान की, उसने मनुष्य की आयु की सीमा निर्धारित की और उन्हें पृथ्वी की सब वस्तुओं पर अधिकार दिया। उसने सब प्राणियों में मनुष्य के प्रति भय उत्पन्न किया और उसे सब पशुओं तथा पक्षियों पर अधिकार दिया। उसने मनुष्य को बुद्धि, भाषा, आँखें तथा कान दिए और विचार करने का मन भी। उसने उन्हें विवेक से संपन्न किया और भलाई तथा बुराई की पहचान से। उसने उनके मन की आँखों की ज्योति प्रदान की, जिससे वे उसके कार्यों की महिमा देख सके और उसके पवित्र नाम का स्तुति गान और महिमामय कार्यों का बखान करे। उसने उन्हें ज्ञान का वरदान और जीवन प्रद नियम दिया। उसने उनके लिए चिरस्थायी विधान निर्धारित किया और उन्हें अपनी आज्ञाओं की शिक्षा दी। उनकी आँखों ने उसके महिमामय ऐश्वर्य को देखा और उनके कानों ने उसकी महिमामय वाणी सुनी। उसने उससे यह कहा, हर प्रकार की बुराई से दूर रहो। उसके प्रत्येक को दूसरों के प्रति कर्तव्य सिखाया। मनुष्य जो कुछ करता है वह सदा उसके लिए प्रकट है और उसकी आँखों से छिपा हुआ नहीं रह सकता। उसने प्रत्येक राष्ट्र के लिए एक शासक नियुक्त किया, किंतु इसराइल प्रभु की विरासत है। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। संत मार्कुस का सुसमाचार, अध्याय 10, पद संख्या 13 से 16 तक। लोग ईसा के पास बच्चों को लाते थे जिससे वे उन पर हाथ रख दे, परंतु शिष्य लोगों को डांटते थे। ईसा यह देखकर बहुत अप्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसे लोगों का है। मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो छोटे बालक की तरह ईश्वर का राज्य ग्रहण नहीं करता, वह उसमें प्रवेश नहीं करेगा। तब ईसा ने बच्चों को छाती से लगा लिया और उन पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। प्रभु का सुसमाचार, ख्रीस्त की जय।